बेटा सभी बच्चे यहाँ ग्रीन बोर्ड पर देखेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं हमने बहुत सारे ब्लैंक्स लिखे हैं, है ना? यस। ब्लैंक्स यानी खाली स्थान, खाली स्थान अर्थात रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। और ये प्रश्न हमने आपकी इंग्लिश रीडर बुक से समस्त पार्ट यानी लेसन वन से लगाकर लेसन ट्वेल्व पर, टोटल आपके ट्वेल्व लेसन है ना, 12 पार्ट है ना? यस। हाँ, उन 12 पार्टों से पूरे के पूरे हमने रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न ब्लैंक्स ले लिए हैं और कुल 30 अर्थात 30 प्रश्न लिए हैं। और ये ऐसे खरीदर बेटा जो आपके इस बात की जानकारी को पूछेंगे कि आपने को पाठ के संदर्भ में क्या मालूम है, कितना मालूम है, क्या चीज आप जानते हो नहीं जानते, ऐसे ये ब्लैंक्स हैं और ये आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है? Yes। इन सारे ब्लैंक्स के बारे में हमको समझना है। देखिए सबसे पहला क्या है, वी वाटर ब्लैंक एवरी डे प्लांट्स की सॉइल, प्लांट्स आएगा बेटा, अर्थात वी वाटर यानी हम पानी देते हैं, ब्लैंक ब्लैंक का खाली स्थान एवरी डे प्रतिदिन हम काय को पढ़ लेते हैं प्लांट्स, तो यहां पर भरेंगे प्लांट्स पी एल ए एन टी एस प्लांट, वी वाटर प्लांट एवरी डे अर्थात हम पौधों को प्रतिदिन पानी सींचते हैं, पानी देते हैं। यहां पर प्लांट्स और सॉइल, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, तो उत्तर क्या आएगा प्लांट्स। फिर इट वाज अ हॉट ब्लैंक आफ्टरनून इन बनारस, हमने आपको पाठ पढ़ाया है फेस द प्रॉब्लम, तो बनारस की जो दोपहर थी वो गर्म और खालिस्तान थी, यहां लिखा है कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडी और ह्यूमिड यानी उमस भरी, तो बनारस की दोपहर कैसी थी, हॉट यानी गर्म और ह्यूमिड, बिल्कुल ठीक। तो यहां भर लेंगे बेटा ह्यूमिड, आपको ध्यान रहे ह्यूमिड का मतलब होता है उमस भरी, जब गर्मी के दिन होते बेटा जब बहुत उमस होती है हमारे शरीर से पसीना निकलते रहता है ना, yes। उसको कहते हैं ह्यूमिड, है ना? yes। तो इसका मतलब क्या होगा, इट वॉज अ हॉट कॉमा ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस, बनारस में दोपहर गर्म और उमस भरी थी, तो यहां क्या जाएगा ह्यूमिड, कोल्ड नहीं आएगा। फिर तीसरा, ब्लैंक इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर ऑब्जेक्ट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर पार्सल, यह वाला है ना, ब्लैंक इज अ पार्ट, खालिस्तान एक अंग है या भाग है आप कंप्यूटर, कंप्यूटर का, माउस की रेडियो, माउस बिल्कुल सही, तो माउस क्या आएगा, कंप्यूटर का एक भाग है एक अंग है, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है ना, ये सब कंप्यूटर के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, आपको याद रखना है। अ ब्लैंक इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन की प्रोनाउन, नाउन बिल्कुल सही, तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यानी संज्ञा नाम वाला शब्द है। ठीक है? yes। आपको नाउन भरना बेटा, ध्यान दे, ध्यान रख लो, इस प्रकार खाता में आता है नेमिंग वर्ड तो आपको नाउन भरना है। फिर द ब्लैंक सैन, खालिस्तान ने कहा फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, समस्या का सामना करो मेरे बच्चे, कारपेंटर ने कहा था कि कृष्ण ने कहा था, प्रिस्ट बिल्कुल सही, पी आर आई ई एस टी कृष्ण ने, पंडित, पंडित ने कहा मेरे बच्चे समस्या का सामना करो। ठीक है? अगला, पीपल लाइक ब्लैंक ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, अनुवाद लोग जलाते हैं खालिस्तान है ना, ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, दिवाली के त्योहार पर, लैम्प्स की फायर, लैम्प्स आएगा बिल्कुल सही, ए एम पी एस लैम्प्स यानी दिए या दीपक। ठीक है? लोग दिवाली के त्योहार पर दीपक जलाते हैं, आग नहीं जलाते। ठीक है? yes। हाँ, आगे है, ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लैंक, और याद दिया है क्वेरल्स और ब्रदरहुड, अर्थात ईद खुशी
उत्तर दिया है लड़ाई झगड़े और दूसरा दिया ब्रदरहुड यानी भाईचारे का ब्रदरहुड। हाँ बी आर ओ टी एच ई आर एल डबल ओ डी ब्रदरहुड ठीक है। हाँ भाईचारा का मतलब होता बेटा कि सब मिलजुल कर रहना, जैसे अपने भाई भाई की तरह एक भाई दूसरे भाई को रहता ही रहता यानी भाई बहन कितने प्रेम से रहते हैं है ना उसी तरह हमें दूसरे लोगों के साथ भी रहना चाहिए यही कहलाता है ब्रदरहुड ठीक है। बच जाओ फिर आता है वी ब्लैंक दिवाली आन कार्तिक अमावस्या या दिया सेलिब्रेट और दिया गेट बिल्कुल सही। वी सेलिब्रेट सी ई एल ई बी आर ए टी सेलिब्रेट वी सेलिब्रेट अगर हम मनाते हैं दिवाली आन कार्तिक अमावस्या कार्तिक अमावस्या को गेट अगर प्राप्त करना होता है ठीक है। अगला इंडिया इज अ लैंड आ भारत भूमि है ब्लैंक खालिस्तान की फेस्टिवल्स की या माउंटेन्स की फेस्टिवल बिल्कुल सही एपीएसटीआई डी ए एल एस फेस्टिवल भारत त्योहारों का देश है लैंड यानी देश भारत त्योहारों का देश है तो यहां बेटा फेस्टिवल भरना। बर्ड्स लिव इन ब्लैंक दिया है कैनेल और नेस्ट बिल्कुल सही पक्षी घोंसलों में रहते हैं। अगला देयर इज अ ब्लैंक एवरीवेयर ज्वार इशारो ज्वार बिल्कुल सही यानी चारों ओर देयर इज अ ज्वार एवरीवेयर सब जगह चारों ओर खुशी है सारों का मतलब दुख दुख नहीं चारों ओर है ना कविता के हिसाब से ज्वार होगा। वी वियर न्यू क्लोथ इन ब्लैंक दिवाली या दशहरा वी वियर यानी हम पहनते हैं न्यू क्लोथ यानी नए कपड़े इन ब्लैंक दिवाली या दशहरा बिल्कुल सही दिवाली अर्थात हम नए कपड़े दिवाली को पहनते हैं वियर मतलब पहनना वी वियर हम पहनते हैं न्यू क्लोथ नए कपड़े और इन दिवाली ठीक है इनमें यहाँ आएगा ऑन ऑन दिवाली ठीक है। हाँ समझ आगे बात आगे बाबूजी वाज पुट इन ब्लैंक सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हिंदी में समझ लो आप उत्तर दे दोगे। बाबूजी वाज पुट बाबूजी को रखा गया इन खालिस्तान खालिस्तान में सेवरल टाइम्स कई बार ड्यूरिंग के दरमियान द फ्रीडम स्ट्रगल यानी आजादी की लड़ाई के दरमियान बाबूजी को कई बार खालिस्तान में रखा गया। नंबर यहां पर दिया है पैलेस यानी महल और दूसरा जेल बिल्कुल सही जेल क्योंकि पार्ट पढ़ा था क्या हो जाएगा जेल जे ए आई एल जेल ठीक है बेटा। हाँ बाबूजी को पुट इन्हें रखा गया बाबूजी वाज पुट बाबूजी को रखा गया था काय में जेल में। फिर अगला बाबूजी कृष्ण हिज सन्स ब्लैंक बाबूजी ने अपने पुत्र के खालिस्तान को चूमा कृष्ण ने चूमा किस करने यानी चूमना होता है ना तो बाबूजी ने अपने पुत्र के खालिस्तान को चूमा यहां दिया हैंड यानी हाथ और दिया फोरहेड फोरहेड यानी माथा फोर है बिल्कुल सही एफ ओ आर ई एच ई ए डी फोर है यानी बाबू जी ने अपने पुत्र के माथे को चूमा ठीक है याद रखना। फिर ब्लैक रोल्ड डाउन हिज चीक्स खालिस्तान उसके गाल पर आ गए या लुढ़क गए भाई जब यहां पर गाल पर कोई चीज लुढ़कती है वाटर टीयर टीयर ने आंसू हाँ टीयर उनका सही कह रहे हो हम लोग टी ई ए आर एस टीयर टीयर रोल डाउन यानी जो आंसू है वो लुढ़क गए आंचिक से गालों पर है ना जब कोई रोता है तो आंसू यहाँ टपक करके आ जाते गालों पर है ना। हाँ याद रखना है
अगला है लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्लैंक इन 1964 इंडिया या नेपाल? इंडिया। बिल्कुल सही, इंडिया, INDIA इंडिया। हिंदी अर्थ क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री बिकेम, लाल बहादुर शास्त्री बने द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आपके इंडिया भारत इन 1964 1964 में, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री 1964 में खालिस्तान के प्रधानमंत्री बने, नेपाल के बने कि इंडिया के? इंडिया, इंडिया के, यानी भारत के। अगला लाल बहादुर शास्त्री वाज ब्लैंक भारत रत्न इन 1966, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से 1966 में खालिस्तान किया गया, या दिया डिमांडेड इन्हें माना गया या अवार्डेड? बिल्कुल सही, अवार्डेड आएगा, AWARDED अवार्डेड, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड, लाल बहादुर शास्त्री को नवाजा गया भारत रत्न से 1966। तो समझ आ गया बड़े वाले खालिस्तान। अब इसके आगे 18वां खालिस्तान हम देखते हैं, अब हम देखते हैं 18वां, देयर आर ब्लैंक सेकंड्स इन अ मिनट 60 61। बिल्कुल सही, 60 आएगा बेटा, SIXTY 60। इसका अनुवाद क्या होगा कि देयर आर 60 सेकंड्स, यानी 60 सेकंड होते हैं इन अ मिनट, एक मिनट में। तो 60 आएगा बेटा, ध्यान रखना है। हाँ, वी आर मेक मिस्टेक्स पार्ट से आया है ना? वी आर मेक मिस्टेक पार्ट है कि नहीं है? उसमें टाइम के बारे में दिया हुआ है, उससे आया, पूछा गया है। फिर देखो, ब्लैंक मिनट्स मेक एन आवर, अर्थात खालिस्तान मिनट घंटे का निर्माण करते हैं, 60 की 30। बिल्कुल सही, SIXTY 60, 60 मिनट में एन आवर, 60 मिनट एक घंटे का निर्माण करते हैं। आगे 24 आवर, यानी 24 घंटे, मेक अ ब्लैंक डे का वीक, डे, बिल्कुल सही, भूलना नहीं बेटा है। यस, अर्थात 24 घंटे दिन का निर्माण करते हैं, एक दिन का निर्माण करते हैं। फिर देयर आर ब्लैंक डेज इन अ वीक 6 की 7, बिल्कुल सही, इन अ वीक सप्ताह में होते हैं 7, है ना, 7 डेज, ठीक है, कितने सप्ताह से। फिर देयर आर ब्लैंक मंथ इन अ ईयर 12 की 10, तो देखिए देयर आर होते हैं 12 मंथ, 12 महीने इन अ ईयर, एक वर्ष में, ठीक है। yes. हाँ, फिर आगे ब्लैंक वाज डियर टू बाबूजी देन हिज डाटा, इसका मतलब खालिस्तान प्रीत है टू बाबूजी, बाबूजी को देन हिज डाटा, अपनी पुत्री से की अपेक्षा, अपनी पुत्री की अपेक्षा खालिस्तान बाबूजी को ज्यादा प्रीत है, कंट्री की सन, कंट्री, कंट्री यानी देश, COUNTRY कंट्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देश बाबूजी को अधिक प्रिय था अपनी पुत्री की अपेक्षा, या कंट्री ऑफ संधि ऐसा नहीं पुत्र, है ना। अगला, बर्ड्स आर बिल्डिंग देयर नेस्ट बिकॉज द ब्लैक इज कमिंग समर की स्प्रिंग, स्प्रिंग, बिल्कुल सही, SPRING स्प्रिंग, स्प्रिंग इज कमिंग पार्ट से आया। ये बर्ड्स आर बिल्डिंग, यानी पक्षी बना रहे हैं देयर नेस्ट अपने घोंसले बिकॉज, क्योंकि द स्प्रिंग इज कमिंग, क्योंकि समय जो बसंत है वो आ रहा है, ठीक है। yes. इसलिए स्प्रिंग आ गया बेटा। फिर अ ब्लैंक ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर,
लीव की टीम लीव बिल्कुल सही एल ई ए पी लीव अलीव ईयर यानी एक लीव वर्ष कम्स आता है आफ्टर एवरी फोर इयर्स चार वर्ष के पश्चात आपको याद रखना है ये भी वी ऑल मेक मिस्टेक से आया है ठीक है yes. आगे प्राउड एंड फर्म अ ब्लैंक स्टेट ऑन सैंडी ग्राउंड इसको मतलब समझ लो बेटा समझ में साथ ना आ रहा हो प्राउड यानी गर्व के साथ एंड फर्म यानी दृढ़ता के साथ है ना गर्व और दृढ़ता के साथ अ ब्लैंक एक खाली स्थान स्टेट में खड़ा है ऑन सैंडी ग्राउंड रेत वाली जमीन में रेतली जमीन में ट्री की बुआ ट्री बिल्कुल सही बेटा यानी पेड़ गर्व और दृढ़ता के साथ में रेतली जमीन में खड़ा है ठीक है yes. अगला द स्वान हिड अंडर द सीट ऑफ ब्लैंक सिद्धार्थ की देवदत्त सिद्धार्थ अर्थात हंस सिद्धार्थ की सीट के नीचे छिप गया हिड यानी छिप गया ठीक हाँ और ध्यान रखना आप लोगों को बेटा और वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन ब्लैंक अमावस्या बिल्कुल सही कार्तिक या फाल्गुन तो कार्तिक आएगा के ए आर टी आई के ठीक है yes. हम दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं फिर है महेश्वर फोर्ट इज सिचुएटेड इन ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट खरगोन की इंदौर खरगोन तो इस तरह आपको भरना बेटा ये और आखिरी क्या है दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड रामास ब्लैंक टू अयोध्या रिटर्न की रिटर्न रिटर्न बिल्कुल सही आर ई टी यू आर एन रिटर्न अर्थात दिवाली भगवान राम की वापसी की याद में मनाया जाता है अयोध्या वापसी की याद में मनाया जाता है ठीक है yes. तो बेटा देखो हमने आपको ये ब्लैंक्स समझा दिए हैं आपको याद रखना है परीक्षा के लिए ठीक है yes. अब बताइए कि कोई भी ब्लैंक्स आगे तो आप कर लोगे क्या yes. आसक्त कर लोगे ना yes. क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है और हमने पढ़ा भी है ठीक है yes. बहुत बढ़िया सभी एक साथ बोलेंगे जय हिंद जय